नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। नीतीश कुमार के नए शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी ने भारी हंगामे के बीच गुरुवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नव नियुक्त शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी पर असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। मेवालाल ने 3 दिन पहले नीतीश सरकार में नए शिक्षा मंत्री के तौर पर शपथ ली थी। शपथ के साथ ही मेवालाल विवादों में घिर गए। विपक्षी आरजेडी ने नए शिक्षा मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। मेवालाल चौधरी पर साबौर विश्वविद्यालय का कुलपति रहते हुए नियुक्त घोटाले में मामला दर्ज हुआ था। ये केस भागलपुर ADG 1 के पास विचाराधीन है और फिलहाल चार्जशीट का इंतजार किया जा रहा है। मेवालाल चौधरी 2015 में पहली बार JDU विधायक बने थे। इससे पहले तक वो एक शिक्षक थे। उनके कुलपति रहते कृषि विश्वविद्यालय में साल 2012 में सहायक प्राध्यापक और जूनियर वैज्ञानिकों की नियुक्तियां हुई थीं। बताया जाता है कि इन नियुक्ति में धांधली की गई थी। तारापुर के नव निर्वाचित JDU विधायक डॉक्टर मेवालाल चौधरी को पहली बार कैबिनेट में शामिल किया गया था। तेजस्वी यादव लगातार मेवालाल पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को उठा रहे थे। आज भी उन्होंने इस मसले पर ट्वीट कर हमला बोला है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जरिए हत्या और भ्रष्टाचार के अनेक मामलों में IPC के 409, 420, 467, 468, 471 और 120 बी धारा के तहत आरोपी मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री बनाने से बिहार वासियों को क्या शिक्षा मिलती है। वहीं दूसरी ओर मेवालाल चौधरी की पत्नी की मौत के मामले में भी उनकी पूछताछ की जाने की मांग हो रही है। मेवालाल की पत्नी स्वर्गीय नीता चौधरी राजनीति में काफी सक्रिय रही थीं। वो JDU के मुंगेर प्रमंडल की सचेतक भी थीं। 2010 से 2015 में तारापुर से विधायक चुनी गईं। साल 2019 में गैस सिलेंडर से लगी आग में झुलसने से उनकी मौत हो गई थी। पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास ने शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी की पत्नी की मौत के मामले में उनसे पूछताछ की मांग की है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।